नाज़रीन मौसम के हवाले से आपको अपडेट कराते हैं। मैं आपको बता दूं, मौसम ने एक बार फिर अपना मिजाज बदला है। लगातार सुबह सवेरे से जो है वो बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि 22 और 23 फरवरी को वादी कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है, तो उसी के पेशन गोई के एन मुताबिक आज सुबह सवेरे से जो है बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। और मैदानी इलाकों की बात करें तो बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त हम वादी लोलाब का टिकीपोरा इलाका है और यहाँ पे सुबह सवेरे से जो है हल्की हल्की जो बर्फबारी का सिलसिला है वो जारी है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो है सफ़ेद चादर बिछी हुई है, क्योंकि लगातार जो है बर्फबारी सुबह सवेरे से जो है वो जारी है। मैं आपको बता दूं, महकमा मौसमियात ने ये कहा था कि 22 और 23 को जो है बर्फबारी हो सकती है और उसके बाद 23 के शाम से जो है मौसम ठीक होगा, मौसम एक बार फिर जो है वो खुशक होगा। तो इस वक्त की बात करें तो इस वक्त फिलहाल जो है बर्फबारी जो है वो जारी, अगरचे अभी तक जो है उतनी बर्फ जमा नहीं हुई है, लेकिन अगर मौसम का यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में जो है सड़कों पे बर्फ ज्यादा जमा होगी और फिर जो है गाड़ियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इस हवाले से हमारी इंतजामिया से अपील रहेगी कि वो इस हवाले से मुतहरिक रहे कि अगर लगातार जो है इसी तरह से बर्फबारी जारी रही तो जो है बर्फ हटाने का काम जो है वो जल्दी से शुरू करें। तो इस हवाले से हमारी इंतजामिया से भी ये अपील रहेगी कि वो इस हवाले से मुतहरिक रहे कि अगर लगातार इस तरह बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा तो वो जो है बर्फ हटाने का काम जो है उसमें जल्दी करें ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो फिलहाल ये मौसम के हवाले से अपडेट था कि महकमा मौसमियात ने जिस तरह से पेशन गोई की थी उसी के एन मुताबिक आज सुबह सवेरे से ही लगातार जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है और 23 के शाम से जो है मौसम बदलेगा, जिस तरह से महकमा मौसमियात ने कहा है। तो फिलहाल आने वाले वक्त में मौसम में क्या कुछ बेहतरी आएगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत या मानी।